and more than 500 colleges affiliated to it. I feel proud to share that the alumni of the university are spread all over India and abroad and are occupying key position in different walks of life. The Indian Science Congress, which has always remained one of the most important and fruitful conglomeration of researchers, scientists and academicians across the world, is having the most relevant theme of science and technology for sustainable development with women empowerment. Fortunately, today is the birthday of Kranti Jyoti Savitribai Phule, and best wishes to all of all on this occasion. It offers us a special opportunity to bring together professors, researchers and scholars around the globe and serve as a platform to deliver innovative research results and latest trends and development in the field of science. The focal drive of this Congress is to exchange ideas, and by participating in this exchange, it hopes that all delegates who will benefit from the Congress can apply it in managing activities in their areas. I wish you all a very productive Congress with exciting and encouraging discussion and exchange of knowledge, research and ideas in science and technology. I once again welcome you all for this mega event. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now the person full of energy and positivity, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Sri Devendraji Phadanvis. May I request Devendraji Phadanvis to please address the gathering. Paramadarniya प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, हम सभी के लाडले नेता श्री नितिन गडकरी जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित आईसीए की जनरल प्रेसिडेंट मिसेस विजयालक्ष्मी सक्सेना जी, हमारे नागपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुभाष चौधरी जी, यहां पर उपस्थित सभी डेलीगेट्स, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से नागपुर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन करने का अवसर नागपुर को और विशेष रूप से नागपुर विश्वविद्यालय को दिया, इसलिए इंडियन साइंस कांग्रेस का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी को पता है कि इस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की जो थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट, मैं ऐसा मानता हूं कि आज के युग में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर इस कांग्रेस में डेलिब्रेशन होगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए आज का दिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की प्रतिमा के रूप में जिनको देखा जाता है, ऐसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी आज जन्म जयंती है, मैं उनको भी आज के इस मौके पर नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ताकत है कि जिस प्रकार की जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग अचीव करना चाहते हैं, 2030 तक जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं उस तक पहुंचना है, तो उसका माध्यम
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। और आज जब भारत सहित दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन के कारण सस्टेनेबिलिटी की खोज कर रहे हैं, जिस समय मनुष्य के अस्तित्व पर एक संकट है, हमारे कृषि के सामने, हमारे पर्यावरण के सामने एक संकट है, ऐसे समय सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और विशेष रूप से जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनको उपयोग करने के लिए हम संसाधनों को छोड़े, न कि उनके सारे संसाधन हम ही अभी इस्तेमाल कर ले और उनके लिए एक बहुत ही खराब दुनिया हम लोग छोड़े। इसलिए भविष्य का विचार करते हुए हम लोग जब संसाधनों के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही वो ताकत है कि जिसके कारण हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है, विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, भारत ने अपनी ताकत कोरोना के समय पूरे दुनिया को दिखाई। जब भारत ने अपने देश में तैयार की हुई वैक्सीन ये 125 करोड़ लोगों तक पहुंचाई और देश को तो बचाया पर कई देशों के नागरिकों को भी भारत की वैक्सीन के कारण जीवदान मिला, तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है। और विशेष रूप से जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक लेवलर है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उसको ये नहीं पता होता कि व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है, वो अमीर है या गरीब है, वो किस जाति का है, समाज का या धर्म का है। वो एक इस प्रकार की लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस अपॉर्चुनिटी के कारण सभी को ग्रो होने का, सभी को विकसित होने का एक अवसर मिलता है। मैं आज के इस मौके पर निश्चित रूप से इतना ही कहूंगा, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ये यशस्वी तो होगी ही, लेकिन यहां पर जो डेलिब्रेशंस होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में और विशेष रूप से उसके आधार पर विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में, हम जरूर इसके कारण बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। और साथ साथ आने वाले दिनों में विशेष रूप से हमारी जो विमेन पावर है, हमारी जो नारी शक्ति है, इस शक्ति का आविष्कार हमारा समूचा देश देखेगा और उसी के भरोसे हम सब लोग मिलकर तरक्की कर पाएंगे। मैं फिर एक बार इस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहां पर मुझे निमंत्रित किया इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी एकेडमिशियन एज वेल एज सोशली वेरी एक्टिव डॉक्टर जितेंद्र जी सिंह, द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत मदद की इस 108वीं कॉन्फ्रेंस के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हम सब के आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उप मुख्यमंत्री और हमारे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबके लिए आज ये बहुत ही सौभाग्य एवं आनंद का विषय है कि आज 2 वर्ष के विलंब के बाद
हम 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन के लिए नागपुर की नगरी में एकत्रित हुए हैं और एक ऐसे समय एकत्रित हुए हैं जबकि नव वर्ष का शुभारंभ भी हुआ है और ये वर्ष भारतवर्ष के लिए अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यही वो साल है जबकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। यही वो साल है जबकि भारत के सुझावों पर विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है और यही वो साल है जबकि जिस परिसर में ये आयोजन हो रहा है इस परिसर में स्थित विश्वविद्यालय भी अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। हम सबके लिए एक सुखद अनुभव ये भी रहेगा कि जब हम विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी जानकारियां अपना अध्ययन साझा करेंगे तो हमें यह भी ध्यान में रहे कि इस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब भारत की विज्ञान की उपलब्धियों के कारण दुनिया उसे इज्जत एहतराम की निगाह से देखने लगी है और ना केवल इतना ही बल्कि भारत के वैज्ञानिक अनुभव से सीख लेकर के दुनिया के विकसित देश भी अपने शोध को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सब इसलिए संभव हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन के गत 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल विज्ञान को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दी बल्कि विज्ञान और वैज्ञानिकों को सम्मान दिया, इज्जत दी, एस्टीम दी, जिसके वो हकदार थे लेकिन शायद जो उन्हें पहले प्राप्त ना थी। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने लाल किले से आह्वान किया स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और देखते ही देखते मात्र 350 से बढ़कर के हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की संख्या 80,000 हो गई और दुनिया में स्टार्टअप्स में हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने हिंद महासागर में छिपी हुई अपार संपत्ति का एहसास करवाने हेतु हमें एक बार नहीं बल्कि दो बार अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 2021 और 2022 में डीप ओशन मिशन का उल्लेख किया। और ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष विभाग को गोपनीयता के पर्दे से निकालकर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। परिणाम ये कि आज वहां प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च होते हैं और साथ ही साथ हमारा गगनयान भारतीय मूल के मानव को अंतरिक्ष ले जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इस बदलते हुए वातावरण में आज अंतरिक्ष विभाग भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान भी करने लगा है। आपको हैरत भी होगी और गर्व भी महसूस होगा जब मैं ये बात आपसे साझा करूं कि आज तक कुल मिलाकर के भारतवर्ष में इसरो के माध्यम से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट्स की संख्या 386 है जिनमें से लगभग 351 यानी 90% मोदी जी के कार्यकाल में लॉन्च किए गए। और ये आमदन का इतना बड़ा स्रोत बना कि यदि हमने अभी तक इन विदेशी सैटेलाइट्स के माध्यम से 220 मिलियन यूरोस कमाए हैं तो उसमें से 187 मिलियन यूरोस लगभग 80-90% गत 8-9 वर्षों में मोदी जी के ही कार्यकाल में। और हम अमेरिका जिसने अपनी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बहुत पहले प्रारंभ की थी उसके सैटेलाइट्स लॉन्च करने में भी पीछे नहीं हटे। कुल मिलाकर के 115 मिलियन डॉलर्स कमाए गए जिसमें से 98 मिलियन ऑलमोस्ट 85% मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 8-9 वर्षों। इसका अर्थ यह हुआ कि इस देश में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, जुनून भी था, आंखों में सितारे भी थे, परंतु कमी थी तो उस वातावरण की जो मोदी जी ने हमें उपलब्ध करवाया है कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुकूल राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दे सके। और आज जब हम 2022 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में बैठ करके मंथन करेंगे तो
तो हमें ये भी ध्यान रहे कि नींव है 2047 के भारत की। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया टुडे इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड टू प्ले दैट रोल ऑफ अ ग्लोबल नेशन वी हैव टू लिव अप टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स। आर चैलेंजेस आर ग्लोबल, आर कंसर्न्स आर ग्लोबल, चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे वो क्लीन एनर्जी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसलिए अनिवार्य बन जाता है टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, एंड द नेक्स्ट लेवल इज दैट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल रिसर्च, जिसके लिए अनिवार्य है ऑप्टिमम सिनर्जी बिटवीन रिसर्च, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। डोंट फॉरगेट इंडस्ट्री। और इसलिए वेरी अप्रोप्रिएटली, वेरी थॉटफुली द फोकल थीम ऑफ दिस ईयर्स कांग्रेस इज सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत समय ना लेते हुए, वक्त की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी बात केवल ये कहकर के समाप्त करूंगा कि इफ द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल साइंटिफिक एंडेवर इज एज टू हाउ मच इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वेल बींग ऑफ अ कॉमन सिटीजन, एज टू हाउ मच इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ईज ऑफ लिविंग ऑफ अ कॉमन सिटीजन, देन आई कैन से विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस that the 108th Indian Science Congress being held in Nagpur will pave the way for India's ascent through 21st century to emerge as an evolved society, a model society among the committee of world nations. Dhanyavad, thank you. Dhanyavad Mantri Mahoday. Ab main bulana chahungi aisi shakshiyat ko, भारत में कहीं भी जब हम रास्तों से जाते हैं तो यह पुल है, यह रास्ता है, निश्चित रूप से गडकरी जी ने बनाया है। रोडकरी के नाम से विख्यात माननीय नितिन जी गडकरी, ऑनरेबल यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं कॉल अपॉन नितिन जी फॉर हिज स्पीच। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, His Excellency Governor of Maharashtra, Respectable Sri Bhagat Singh Koshyari ji, my colleague from Union Cabinet, Respectable Dr. Jitendra Singh ji, Chief Minister of Maharashtra Sri Eknath Shinde ji, Adaraniya Devendra ji, Adaraniya Dr. Mrs. Vijaya Lakshmi Saxena ji, Dr. Subhash Chaudhary, Vice Chancellor, और उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका, नागपुर का सांसद होने के नाते, इस ऑरेंज सिटी में जिसको टाइगर कैपिटल कहा जाता है, उसमें आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी 100 साल पूरी कर रही है, उसी समय ये इंडियन साइंस कांग्रेस हमारे अनुरोध पर नागपुर में आयोजित हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण साइंस कांग्रेस है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो उद्दिष्ट सामने रखे हैं। पहला उद्दिष्ट जो है वो आत्मनिर्भर भारत का है, और दूसरा उद्दिष्ट जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। आप सबको पता ही है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52-54% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर से आता है, 22-24% ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 12-14% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। आज भी हमारी 65% पॉपुलेशन गांवों में बसी है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनके विकास के लिए साइंस का उपयोग करके, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, हमें जीडीपी ग्रोथ रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया में बढ़ानी होगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित इस नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
हमें नए प्रकार से इसकी रचना करनी होगी। आई ऑलवेज टेल इट टू द पीपल टू इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज, वन इज कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। At the same time, no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. Exactly, I feel that this is a big challenge to all of you. We need research, need-based research, region-based research, and the availability of the raw material that is to be most important thing where our research is very important. And at the same time, we need to reduce our import and increase our export. जो import कम करना है उसके लिए technology का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसी से आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। Ethics, economy, ecology and environment. Three important is, these are the important pillar of the Indian economy. और इसमें इकोनॉमी का विकास करने के लिए विज्ञान के बिना कुछ होगा नहीं। द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द जीडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया इज नेग्लिजिबल। विदाउट इंक्रीजिंग द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर एंड रूरल एंड ट्राइबल इंडिया, वी कैनॉट मेक आत्मनिर्भर भारत। And that is most important thing for all of you. The most important thing is we need appropriate research. At the same time, the economic viability is very important. Proven technology, economic viability, availability of raw material and marketability, these are the important things. Today I feel that this is the time and big challenge for all of you. That how we can make India strong in agriculture, rural and tribal area. The other sectors are equally important. I am really happy today the Nagpur University is completing 100 years. At the same time, I am also the student of this university, and that is to be a great pleasure and pride for me. Today the Indian Science Congress, it is really a huge event which is going to inspire and motivate to the scientists to make new India and making futuristic technology for sustainable growth in the all fields. मुझे बहुत खुशी है कि आप सब के प्रयासों से प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, $5 trillion इकोनॉमी का और वर्ल्ड की सबसे सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने का, उसका आधार रिसर्च है, विज्ञान है। और आप सबके अप्रोप्रिएट रिसर्च के आधार पर हम दुनिया की महाशक्ति बनाने में आप सबका योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। यही इंस्पायरेशन और मोटिवेशन एक कॉन्फ्रेंस से आप सबको मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय नितिन जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी अनुरोध के साथ, सम्मान के साथ, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सादगी पूर्ण जिनका व्यक्तित्व है ऐसे, माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे। एक सौ आठवें इंडियन साइंस कांग्रेस में उपस्थित कुछ ही देर में वर्चुअली उपस्थित रहने वाले आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी जी, केंद्रीय मंत्री और जो देश भर में इंफ्रा प्रोजेक्ट के
निर्माता कहने वाले नितिन गडकरी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी, डॉक्टर विजया लक्ष्मी सक्सेना जी, सभी मान्यवर उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है, महाराष्ट्र सरकार भी इसमें शामिल है, यह हमारे लिए सभी के लिए गौरव की बात है। इसका बहुत बड़ा औचित्य भी है, तुकड़ोजी महाराज एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसके साथ ही उन्होंने जीवन भर सतत भ्रमण करते हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन, सामाजिक एकता, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बड़ा कार्य किया है। उन्होंने पूरे जीवन भर वेगपूर्ण विचारों से जागरूकता फैलाई है। मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमन एम्पावरमेंट है। आज सावित्रीबाई फुले जयंती भी है, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी भी है, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन, भौतिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिक अपनी छाप छोड़ रहे, उनका बहुत योगदान रहा है। इस अवसर पर आज मैं उन महिलाओं वैज्ञानिक महिलाओं का स्मरण करता हूं जिनका कार्य भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, रहा है और आदर्श रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास में अभी ड्राइविंग सीट ले लिए है उन्होंने, और विशेष रूप से पिछले 6-7 सालों में इसमें तेजी भी आई है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अवसर देने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा सबसे आगे रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध भी है। इंडियन साइंस कांग्रेस का यह आयोजन छात्रों, शिक्षकों, रिसर्चर्स को निश्चित ही रूप से एक सुनहरा अवसर है, ऐसा मैं समझता हूं। प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी इस कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है, और इससे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विश्व भर में क्या डेवलपमेंट चल रही है इसका अंदाजा भी आता है। मुझे जानकर भी खुशी हुई है कि बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जा रहा है। यह छात्रों को उनकी रुचि और आकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, प्रयास कर रहा है, वो हमारा देश भी पीछे नहीं रह सकता है। महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है, यहाँ की मैन पावर देश में और दुनिया की अच्छी स्किल्ड मैन पावर जानी जाती है। यहाँ के पीढ़ी में विज्ञान के संस्कार भी है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग से बढ़कर भी सोचना चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट और संशोधक बनना भी चाहिए, और इस साइंस कांग्रेस के जरिए यह प्रोत्साहन उन्हें मिलेगा, ऐसा हमें सभी लोगों को विश्वास है। यह साइंस कांग्रेस में किसानों और आदिवासियों का विषय का वो भी समाविष्ट किया गया है। किसानों के लिए कृषि तंत्र ज्ञान एक महत्वपूर्ण बात है, जिसे पारंपरिक खेती के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे किसानों के जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसपे गौर करना चाहिए। कृषि अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए मैंने अभी जैसा कहा, यह बहुत जरूरी है। ट्राइबल कम्युनिटी को मुख्य धारा में लाने के लिए भी यह कोशिश महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दूरदर्शी नेतृत्व हमें मिला है। विज्ञान का
किस प्रकार देश हित में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने कदम बढ़ाया है। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही देश की आत्मनिर्भरता इसका जीता जागता एक उदाहरण है। पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने औषध निर्मित, अंतरिक्ष अनुसंधान, परिवहन, दूरसंचार, कृषि, मौसम पूर्वानुमान जैसे सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। इसका सारा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, देश को प्रगति की नई राह दिखाई है और पिछले 7-8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है और इसीलिए हमें जी ट्वेंटी की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत एक आत्मनिर्भर बने यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को एक कार्यक्रम यह कार्यक्रम निश्चित रूप से शक्ति देगा, ऐसा हमें सभी लोगों को विश्वास है। इस यूनिवर्सिटी में पिछले बार 50 साल पहले इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था, अभी ये 120 साल में फिर एक बार मेरे ख्याल से आदरणीय गडकरी जी के अनुरोध से मोदी जी और हमारे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के वजह से ये फिर एक बार मौका इस महाराष्ट्र को, इस नागपुर को मिला है। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर एक बार इंडियन साइंस कांग्रेस को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महाराष्ट्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, आडंबर रहित व्यक्तित्व माननीय भगत सिंह जी कोश्यारी, आप सादर आमंत्रित हैं अपने विचारों के साथ। माननीय भगत सिंह जी कोश्यारी। आज 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी जी, आज जिनके विशेष प्रयास से यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, हमारे इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, यहाँ उपस्थित सभी साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जो अनवरत कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे वैज्ञानिकगण और मित्रों, मैं आप सबका यूनिवर्सिटीज, महाराष्ट्र राज्य यूनिवर्सिटीज के चांसलर के नाते आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होना और हमको मार्गदर्शन करने का अवसर दिया है। मैं प्रारंभ में ही उनका भी धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 65 में पहली बार हमारे जवानों ने सिद्ध किया हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का नारा दिया और तब से ये विज्ञान के बारे में चिंतन मनन पहले भी हुआ लेकिन एक जोर के साथ आगे बढ़ने लगा और पिछले 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे जैसा अभी जितेन जी बता रहे थे, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। हमने भी कोशिश की है, जब से मैं आया हूं मुंबई में मैरीन साइंस पर, और नागपुर में हमारे आयुध बनाने के लिए जो हवाई जहाजों बनते हैं उसके लिए भी हमने यहां कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़े। मैं तो आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि देखिए, हमारा भारतवर्ष ये ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। एंड हु आर दीज ऋषि मुनीज, व्हाई दे आर कॉल्ड ऋषिज, व्हाई दे आर कॉल्ड सियर्स, सियर्स क्यों कहलाते हैं, दृष्टा ऋषि क्यों कहलाते हैं? वे ऋषि दृष्टा इसलिए कहलाते हैं, दे कुड सी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, समय और स्पेस से आगे वो देख सकते थे। और आज के युग में मैं कह सकता हूं कि आज के युग में हमारे जो ऋषि हैं, जो हमारे इस प्रकार के दृष्टा हैं, वो आज आप जैसे सभी साइंटिस्ट हैं, आप जैसे सभी वैज्ञानिक हैं। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत में न केवल दुनिया की चीजें प्राप्त की, बल्कि आत्मा को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि कोश्यारी जी, गवर्नर साहब, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। नो डाउट, निश्चय ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रह रहे हैं, लेकिन ये भारतवर्ष है, इसने दुनिया को दिखाना है। आज जो सपना हमारे विवेकानंद जी ने देखा था, जो दुनिया को उन्होंने बताया था कि 21वीं सदी में भारत ये हमारा सारी दुनिया को दिशा देगा, उसका नेता बनेगा, वो क्यों, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में नेता बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक आह्वान पर सारे दुनिया के लोगों ने योग को ग्रहण करके ये सिखा दिया है कि हम उस आध्यात्मिक नेतृत्व के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं पढ़ता हूँ कि आर्नोल्ड टॉयनबी जैसे इतिहासकार ने 1951 में कहा था कि 21st सेंचुरी विल बी द 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड दैट विल बी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम उस स्पिरिचुअलिटी के ओर जा रहे हैं और हमारा देश आज उस ओर बढ़ रहा है। आज की नैतिक शिक्षा, आज के हमारे नई शिक्षा नीति में भी उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हम सब लोग जो वैज्ञानिक हैं, अगले 3 दिन में यहाँ विविध विषयों पर विचार करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा विजयलक्ष्मी जी मुझे यहाँ देने के लिए आई थी, क्या काम करने वाले हैं, कि ट्राइबल वुमन के बारे में, कितनी अच्छी बात है कि आज एक प्रकार से जिन्होंने बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, महाराष्ट्र से सावित्रीबाई फुले जी का आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है आज, इसका विषय भी और साइंस का जो सस्टेनेबिलिटी में वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो, ये विषय रखा गया है। और ये भी संयोग है कि इंडियन साइंस कांग्रेस की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जी मंच पर बैठी है। मुझे लगता है ये संदर्भ सुयोग है और पूरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस दिशा में हमेशा सजग रहते हैं। और मेरा विश्वास है कि अगले 3 दिनों में निश्चित रूप से आपने जो विषय रखे हैं उन विषयों पर आप ध्यान देंगे, गहन अध्ययन करेंगे और एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक बार फिर आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी। वी ऑल नो दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज इन द प्रोग्राम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ आई वेलकम यू सर, and I request Dr. Vijayalakshmi Saxena ji for her welcome speech for Dr. Honorable Prime Minister, and she will invite Honorable Prime Minister for his talk. Dr. Vijayalakshmi ji Saxena. इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्युत जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, नमम, नमन, एकदम आभार। A very good morning to you all and a very happy new year. Ya shubh sakani sarvanche manpurvak swagat. From our entire Indian Science Congress Association, I welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and all other dignitaries from the core of my heart. I would like to say that I am short of words
to bestow my best regards and gratitude to our Honorable Prime Minister, Shri Modi ji, for giving his precious time to Indian Science Congress. And at the time of the colossal loss of his beloved mother, on behalf of Indian Science Congress, I would only like to say, Om Shanti, Sadgati, Vaikunth, Shivlok, Pratirastu. We know that you are the modern India's chief architect who champions Jai Anusandhan and recently became the president of G20. Thank you so much, sir, for your endless patronage for ISKCA. 21st century is indeed the century for India. But what should be trajectory? Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, is the only trajectory. It is said in our scriptures, Isha Pantha, that is self-sufficient India, and with the soul, Vasudhaiva Kutumbakam. Also said by Rashtrasant Tukoji Maharaj, Ya Bharatat Bandubhav Nitya Vasude, He Sarv Pantha Sampraday Ek Disude. However, development needs to be achieved at a sustainable way with Indian women at the forefront. Swachh or Swasth Bharat, Sashakt or Sabal Bharat, Samagra or Saksham Bharat, Satat or Sanatan Bharat, Beti Bachao Beti Padhao, Mahilae Haath, Swadhar Grah and Mahila Shakti Kendras are major government initiatives towards a sustainable development with Indian women at the central stage. Dreamers and fan followers of ISKCA will always remember Modi ji Man Ki Baat, a mantra of success for most of the Indians. During this auspicious Azadi Ka Amrit Mahotsav, on behalf of entire Indian Science Congress Executive Committee and Council members, we are humbly requesting Modi ji to fulfill our long-awaited written request to become the President of Indian Science Congress 2025. I request you to kindly announce your consent from this platform itself. I believe that 108 Indian Science Congress will give new avenues to provide women with better access to education and find sustainable solution for resolving our problems. Chala pudil paanch divas santra barobar vigyanasa anand gheuya. Now I request Honorable Prime Minister Modi ji to address the gathering. Find sustainable solution for resolving our problems. Chala pudil paanch divas santra barobar vigyanasa anand gheuya. Now I request Honorable Prime Minister Modi ji to address the gathering. नमस्कार. आप सभी को इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई. अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्व होगी. साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं. मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है. मैं इस विश्वास की वजह भी आपको बताना चाहता हूं. आप भी जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंस का मूल आधार है. ऑब्जर्वेशन के जरिए आप साइंटिस्ट पैटर्न फॉलो करते हैं.
फिर उन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट के लिए हर कदम पर डेटा जुटाना और उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायन में है। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। डेटा एनालिसिस की फील्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये इंफॉर्मेशन को इनसाइट में और एनालिसिस को एक्शनेबल नॉलेज में बदलने में मदद करती है। चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है और इसलिए हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। साथियों, आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम छलांग लगा करके 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आज भारत पीएचडी के मामले में दुनिया में टॉप 3 देशों में है। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम भी एक ऐसा विषय है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विश्व का भविष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षित है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय को विमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा है। मैं मानता हूं कि व्यावहारिक रूप से भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज देश की सोच केवल ये नहीं है कि हम साइंस के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करें, बल्कि हम विमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें, साइंस और रिसर्च को नई गति दें, ये हमारा लक्ष्य है। अभी भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है। G20 के प्रमुख विषयों में भी विमेन लेड डेवलपमेंट एक बड़ी प्राथमिकता का विषय है। बीते 8 वर्षों में भारत ने गवर्नेंस से लेकर सोसाइटी और इकोनॉमी तक इस दिशा में कई ऐसे असाधारण काम किए हैं जिनकी आज चर्चा हो रही है। आज भारत में
मुद्रा योजना के जरिए छोटे उद्योगों और व्यवसायों में भागीदारी हो या स्टार्टअप वर्ल्ड में लीडरशिप, महिलाएं हर जगह पर अपना दम दिखा रही है। बीते 8 वर्षों में एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई है। महिलाओं की ये बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज भी आगे बढ़ रहा है और देश में साइंस भी आगे बढ़ रही है। साथियों, किसी भी वैज्ञानिक के लिए असल चुनौती यही होती है कि वो अपने नॉलेज को ऐसे एप्लीकेशंस में बदल दें जिससे दुनिया की मदद हो सके। जब साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से गुजरता है तो उसके मन में यही सवाल रहते हैं कि क्या इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा या उनकी खोज से विश्व की जरूरतें पूरी होगी। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे, जब उसका प्रभाव ग्लोबल से लेकर ग्रासरूट तक हो, जब उसका विस्तार जर्नल से लेकर जमीन तक हो, जब उससे बदलाव रिसर्च से होते हुए रियल लाइफ में दिखने लगे। साथियों, जब साइंस की बड़ी उपलब्धियां एक्सपेरिमेंट से लेकर लोगों के एक्सपीरियंस तक का सफर तय करती है तो इससे एक अहम संदेश जाता है। ये बात युवाओं को बहुत प्रभावित करती है। वो सोचते हैं कि साइंस के जरिए वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है ताकि उनकी आकांक्षाओं का विस्तार किया जा सके, उन्हें नए अवसर दिए जा सके। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद वैज्ञानिक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विकसित करें जो युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे। उदाहरण के लिए टैलेंट हंट और हैकेथॉन के आयोजनों के जरिए साइंटिफिक सोच रखने वाले बच्चों की तलाश की जा सकती है। इसके बाद उन बच्चों की समझ को एक प्रॉपर रोडमैप के जरिए विकसित किया जा सकता है। इसमें सीनियर साइंटिस्ट उनकी मदद कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भारत नई ऊंचाई को छू रहा है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण वजह है। पहला, स्पोर्ट्स की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए देश में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया गया। दूसरा, स्पोर्ट्स में गुरु शिष्य परंपरा का अस्तित्व और प्रभाव, जहां नई प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, वहां शिष्य की सफलता में गुरु अपनी कामयाबी देखते हैं। ये परंपरा साइंस के क्षेत्र में भी सफलता का मंत्र बन सकता है। साथियों, आज आपके सामने कुछ ऐसे विषय भी रखना चाहता हूं जो भारत की साइंस की दिशा तय करने में मददगार होंगे।
भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में साइंस का विकास ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय की मूल प्रेरणा होनी चाहिए। भारत में साइंस भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि आज दुनिया की 17-18 प्रतिशत मानव आबादी भारत में रहती है। ऐसे साइंटिफिक वर्क्स जिनसे भारत की जरूरतें पूरी होगी उनसे विश्व की 17-18 प्रतिशत मानवता को गति मिलेगी और इसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे विषयों पर काम करें जो आज पूरी मानवता के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर हम एक विषय ले लें एनर्जी, बढ़ते हुए भारत की एनर्जी नीड्स लगातार बढ़ने ही वाली है। ऐसे में भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट से जुड़े इनोवेशंस करती है तो उससे देश का बहुत लाभ बड़ा होगा। खासकर हाइड्रोजन एनर्जी की अपार संभावनाओं के लिए देश नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइजर जैसे विभिन्न एसेंशियल कंपोनेंट्स देश में ही बने। इस दिशा में अगर किन्हीं नए ऑप्शंस की गुंजाइश है तो उस दिशा में भी रिसर्च हो। हमारे वैज्ञानिकों को और इंडस्ट्री को इसके लिए साथ मिलकर काम करना होगा। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जैसे आज हम बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, उसी तरह हमें इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस के जरिए समय रहते बीमारियों की पहचान करनी होगी और उससे निपटने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। लाइफ लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके बारे में भी आप सभी मेरे साथी भलीभांति जानते हैं। हमारी साइंस कम्युनिटी इस दिशा में बड़ी मदद कर सकती है। साथियों, भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। यह हर भारतवासी के लिए बहुत गौरव की बात है। भारत के मिलेट्स और उनके इस्तेमाल को ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। साथियों, आज वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में भी वैज्ञानिक अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट ऐसे क्षेत्र हैं जिसका लगातार क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इसलिए ही पिछले वर्ष बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया था। जब हमें मिशन सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूत करना है, इसके लिए हमें
ऐसे इनोवेशंस पर काम करना होगा जिससे मेटल और प्लास्टिक स्क्रैप का बेहतर इस्तेमाल हो सके। हमें प्रदूषण कम करने और स्क्रैप को उपयोगी बनाने पर एक साथ काम करना होगा। साथियों, आज भारत स्पेस सेक्टर में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की वजह से हमारी क्षमता बढ़ेगी और दुनिया हमारी सेवाएं लेने के लिए आगे आएगी। निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स इन अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। R&D लैब्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़कर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। ऐसे ही एक और विषय है क्वांटम कंप्यूटिंग का। आज भारत क्वांटम फ्रंटियर के तौर पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम क्रिस्टोग्राफी और न्यू मटेरियल्स की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे यंग रिसर्चर्स और साइंटिस्ट क्वांटम के क्षेत्र में एक्सपर्टाइज हासिल करें और इस फील्ड के लीडर बने। साथियों, आप भी जानते हैं कि साइंस में लीड वही लेता है जो इनिशिएटिव लेता है। इसलिए दुनिया में क्या चल रहा है हमें यह तो देखना ही है, लेकिन साथ ही जो काम कहीं नहीं हो रहे, जो फ्यूचरिस्टिक आइडियाज हैं, उन पर भी फोकस करना है। आज दुनिया में AI, AR और VR की बात हो रही है। हमें उन विषयों को अपनी प्रायोरिटीज में शामिल रखना होगा। सेमीकंडक्टर चिप्स की दिशा में देश कई बड़े कदम उठा रहा है। समय के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स में भी नए इनोवेशंस की जरूरत होगी। क्यों न हम देश के सेमीकंडक्टर पुश को अभी से फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में सोचे। देश इन एरियाज में इनिशिएटिव लेगा तभी हम इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व देने में सक्षम होंगे। साथियों, मुझे विश्वास है इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन में विभिन्न रचनात्मक बिंदुओं पर भविष्य का स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। अमृतकाल में हमें भारत को मॉडर्न साइंस की सबसे एडवांस लेबोरेटरी बनाना है। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस समिट के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार। टिकट का विमोचन यहां होने जा रहा है। आई रिक्वेस्ट द पोस्टमास्टर जनरल टू कम ऑन डैस प्लीज सर, एंड रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू रिलीज द पोस्टल स्टैम्प फॉर द सेंटेनियल ईयर ऑफ द नागपुर यूनिवर्सिटी। द रिलीज ऑफ पोस्टल स्टैम्प।
नागपुर विश्वविद्यालय को उसके 100वें वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय देवेंद्र जी, वाइस चांसलर जी, पोस्ट मास्टर जनरल जी, माननीय विजयालक्ष्मी जी, सब लोग मिलकर इस टिकट का विमोचन कर रहे हैं। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। एक मिनट आपको और रुकना पड़ेगा सभी डिग्निटरीज को। रिलीज ऑफ सोवेनियर इज देयर। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू रिलीज द सोवेनियर ऑफ दिस 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। प्लीज सर। इस स्मारिका का प्रकाशन सभी महानुभावों के हाथ से हो रहा है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं सर, आपने हमें यह सम्मान दिया, आप सब यहाँ आए और स्मारिका का विमोचन किया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू एवरीबॉडी। नाउ आई कॉल अपॉन द जनरल सेक्रेटरी मेंबरशिप अफेयर्स टू डिपिक्ट द वोट ऑफ थैंक्स। Honorable dignitaries on the dais and off the dais, esteemed resource persons who have come from various parts of the country and abroad, dear participants, my dear students, it gives me a great pleasure to propose vote of thanks. The world today looking at India with admiration and expectations. India's G20 presidency will enable us to significantly contribute to some of the global issues of the societal impact. During the last few years, the government of India, under the leadership of our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, has started several major specific programs such as Deep Ocean Mission, Blue Economy, National Hydrogen Mission, National Super Computing Mission, Quantum Computing Mission, and many more. Our Honorable Prime Minister is a great lover of science and technology. The Indian Science Congress Association and the scientific community of the country are ever grateful to the Honorable Prime Minister for his inspiring, exciting, visionary inaugural address. We sincerely thank His Excellency, Governor of Maharashtra and Chancellor of RTM Nagpur University, Sri Bhagat Singh Koshyari ji, for his unstinted support for the 108th Indian Science Congress. The wealth generators of the nation, Sri Eknath Shinde ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, and Sri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister, we immensely thank their constant and continuous support for the 108th Indian Science Congress. Here is the most dynamic Honorable Union Minister who converted challenges into opportunities and got laid 43,000 kilometers for national highways in the last 8 years. Which is a world record. He has ambitious plans for the country. We are very fortunate for the gracious presence of the Honorable Union Minister Sri Narendra Nitin Gadkari ji. The Indian Science Congress Association
and RTM Nagpur University profusely thank the Honorable Minister Dr. Jitender Singh Ji as Honorable Minister for Science and Technology and Earth Sciences with his unstinted twist wants to make India a leader in science and technology. We wholeheartedly thank for his kind support for the Indian Science Congress Association. We sincerely thank our General President Vijayalakshmi Saxena for leading and steering the Indian Science Congress Association despite the challenging pandemic. We profusely thank Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Advisor to the Government of India, Dr. S. Chandrasekhar, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, Dr. Ravichandran, Secretary, Minister of Earth Sciences, Dr. Mrs. Kalai Selvi, Director General, CSIR. We are highly grateful to Dr. Subhas R. Chaudhary, the Honorable Vice Chancellor of RTM Nagpur University, Nagpur, for association with the 108 Indian Science Congress on making elaborate arrangements. My sincere thanks all the council members and local secretaries, Professor Rajendra Singh and Professor Govardhan Kadekar, for their efforts to success of this mega event. I profusely thank MM Activa Director Ravi Barakar for excellent design and execution of these arrangements. We are ever grateful to the members of the print and electronic media for their unstinted support in popularizing the scientific programs of the Indian Science Congress Association. Thank you, one and all. Thank you, sir. Dear students, there is an announcement for you. A very good expo of DRDO and Science and Society and everything. It is over there, and you all are requested to visit the stalls and the expo. Please take a very good opportunity and very good chance to go through that and the good memories from Nagpur and Vidarbha itself. There are plenary sessions. It is in your kit. Please follow it. Try to attend all the plenary sessions. Great scientists are there, and you are given chance to listen them. Please attend the plenary sessions. Thank you. Thank you, everybody.